हेलो गाइस, वेलकम टू द एजमेंट न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे एवेंजर 4 और कैप्टन मार्वल के पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में। आपको बता दूं कि एवेंजर 4 में और कैप्टन मार्वल में इंटरनल्स का पोस्ट क्रेडिट सीन कंफर्म है। आपको कोई भी एक कैरेक्टर इंटरनल्स का पोस्ट क्रेडिट सीन में देखने को मिल सकता है, और देन ये एकदम ऑफिशियल कंफर्म है, जिसमें कि हमें बताया ये जा रहा है ट्विटर अकाउंट्स के माध्यम से कि इंटरनल्स की कास्टिंग क्रू का काम चल रहा है, यानी कि वो कास्टिंग करने में लगे हुए हैं कि हमें इंटरनल्स का कौन सा कैरेक्टर लेना है। तो ये बात कही है डेनियल ने, और डेनियल ये चीज क्लियर कर दी है कि मार्वल स्टूडियो पहले से ही प्लानिंग कर रहा है एवेंजर 4 और कैप्टन मार्वल के लिए कि वो कौन से कैरेक्टर इसमें दिखाना चाहता है, क्योंकि कैप्टन मार्वल की जो स्टोरी है वो स्पेस की है, तो उसमें इंटरनल्स आराम से मिल सकते हैं, और एवेंजर 4 की भी स्टोरी स्पेस की है तो उसमें भी आराम से इंटरनल्स एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि थैनोस का इसमें एरोस भाई भी आ रहा है। तो फाइनली मुझे लगता है कि एंडिंग में हमें एरोस दिखाया जा सकता है, और उस पर ऐसी कोई खबर जाए कि एरोस तुम्हारे ब्रदर मारे गए या भाई मारा गया थैनोस, शायद उसे गुस्सा आ जाए, फिर इंटरनल्स का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखने को मिले। तो काफी कुछ दिखने वाला है, और हमारे इंटरनल्स का हमें पोस्ट क्रेडिट दिखने वाला है और कैप्टन मार्वल में। तो गाइस, कैसा लगा अपडेट? अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पे देख रहे हो तो पेज को लाइक करें, और रियली मैं आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख, या तो स्पाइडरमैन के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूं।